अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जरीन खान। मेरे चैनल जेड के यूनिक कुकिंग में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं कटलेट। कटलेट आप वेज भी बना सकते हैं और नॉन वेज भी। आज हम चिकन के कटलेट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम उसके लिए चिकन को नमक और थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली के साथ बॉईल करेंगे। इसे हमें थोड़े से पानी में बॉईल करना है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, मैंने गैस पर एक बर्तन गरम के लिए रखी हूँ। इसे मैं चिकन डालती हूँ। चिकन मैंने अच्छे से धो कर ली हूँ। इसे मैं ग्रीन चिल्ली जो हमने क्रश करके कूट के रखी हुई है ये हाफ डालूंगी, हाफ हम आगे डालेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून डाल रही हूँ मैं इसमें, और नमक टेस्ट के हिसाब से, और इसमें मैं आधा कप पानी डालूंगी। एक टीस्पून मैं इसमें ऑयल डालूंगी। अब हम इसे चिकन के गलने तक बॉईल करेंगे, और हमें इसका जो ये सिरवा है ये एकदम 2 से 3 टेबल स्पून तक ही रखना है। देखिए हमारा चिकन अच्छे से बॉईल हो चुका है और हमने उसे इस तरह से श्रेडेड किए, दसी दसी अलग किए, देख सकते हो आप। उसका पूरा पानी सूख चुका है। इसमें एक टेबल स्पून के आसपास जो पानी सूखा था उसका मसाला, वो भी मैंने इसी में मिक्स की हूँ। और ये सभी मसाले ली हूँ मैंने यहाँ पर, मैं बता देती हूँ। ये हाफ के जी मैंने बॉईल करके आलू ली हूँ, इसे मैंने ग्रेट करके ली हूँ, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने मैदा ली हूँ 1 टेबल स्पून भर के। ये नमक ली हूँ मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे कुछ पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, कॉर्न स्टार्च 1 टेबल स्पून भर के ली हूँ। एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट करके ली हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के दही ली हूँ। दही डालने से हमारे जो कटलेट है वो अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर ली हूँ, चाट मसाला ली हूँ, हरी मिर्ची जो कूटी हुई होती है वो ली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, ये कैबेज ली हूँ, यहाँ पे ग्रीन पीस जो कि फ्रोजन रहते है वो ली हूँ, ये गाजर मैंने पीस कर ली हूँ, ये देख सकते हो आप इस तरह से। ये मैंने कैप्सिकम ली हूँ, शिमला मिर्ची रेड और ग्रीन कलर की मेरे पास थी तो मैंने ली हूँ। आपके पास जो भी इसमें से वेजिटेबल हो आप वो डाल सकते हैं। चिकन के अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल भी बना सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे इसके बिना भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ली हूँ, ये देखिए। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ली हूँ, गरम मसाला ली हूँ और कुटे जीरे का पाउडर ली हूँ। यहाँ पे मैंने रेड चिल्ली पाउडर ली हूँ, ये ज्यादा तीखा नहीं होता है, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने मैगी मसाला ली हूँ, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, वरना नहीं भी डाले तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं ऐसे ही। अब हम इन सभी मसालों को एक बॉल में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बॉल ली हूँ, इसमें मैं ये जो ग्रीन पीस ली हूँ, बटाने, ये फ्रोजन जो आते हैं मैंने वही ली हूँ, ये मेरे घर के किए हुए। इसे मैं हाथ से इस तरह से मैश कर लूंगी ताकि ये हल्के हल्के क्रश हो जाए, वरना ये पैटिस में टूट सकते। इस तरह से मैं इसे हल्का हल्का हाथ से प्रेस करके मैश कर लूंगी। आप चाहे तो मिक्सी में भी चला कर ले सकते हो, लेकिन ये फ्रोजन जो किए जाते हैं ना वो बहुत ही इजीली मैश हो जाते हैं, हल्के गले हुए होते। मैंने मटर अच्छे से क्रश करके ली हूँ हाथ से। अब यहाँ पर मैं इसमें बॉईल किए हुए जो हमारे उबाले हुए आलू है वो डाली हूँ। अब हम सभी मसाले वेजिटेबल सब इसमें ऐड करते हैं। कैबेज है, ये ले, गाजर, सब्जी आप अपने हिसाब से जितनी चाहे उतनी ले सकते हो। आप इसे चिकन के बगैर भी बना सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसे बनाकर फ्रीजर में 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज कर सकते हो। ये धनिया हरा और पुदीना मैंने बारीक बारीक कट करके ली हूँ। अब हम मैं इसमें सभी मसाले अच्छे मैंने सभी मसाले इसमें डाल चुकी हूँ। अब हम इसे इस तरह से जैसा हम रोटी का डो बनाते हैं उस तरह से हमें रोटी का डो के तरह बनाकर लेना है। वेजिटेबल आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और जब भी आलू से हम कोई टिक्किया वगैरह बनाते हैं तो आलू को बॉईल करके हमें 1 से 2 घंटे फ्रीज में रखने से आलू का जो पानी होता है वो अच्छे से सूख जाता है और हमारे जो बाइंडिंग है बहुत अच्छे से होती है। इस तरह से हम अच्छे से, अगर आप मिक्सर, ये जो मिक्सर है ये गीला लगता है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून भर के और मैदा ऐड कर सकते हो। मेरा नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसमें और नहीं डालूंगी।
अगर आप वेजिटेबल बना रहे हो तो इस बैटर के आप कटलेट बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर चिकन के बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर चिकन इस पॉइंट पर ऐड करूंगी। चिकन हमने इस तरह से करके लिए है, ये दसियों में ही होता है, इसलिए अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बता। देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स की हूँ, अब हम कटलेट बनाते हैं। ये देखिए हाथ पर भी नहीं चिपक रहा है, अगर आपका हाथ पर चिपकेंगे तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं या पानी। मैंने एक लड्डू जितना ली हूं और हमारे कटलेट का शेप जो होता है वो इस तरह से ओवल होता है। आप चाहे तो जो बनाना चाहते हैं वो शेप बना सकते हैं, लेकिन कटलेट का शेप इस तरह से होता है, ये देख सकते हो आप। इसी तरह से मैं आपको सभी कटलेट बना, देखिए मैंने कटलेट बनाई हूं। आप इसे इस वक्त फ्रीजर में फ्रीज भी कर सकते हैं। फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए हमें एक एयर टाइट कंटेनर लेना होगा, बिना हवा, जिसमें हमें एयर नहीं जानी चाहिए, ऐसा पैक वाला डब्बा लेना होगा। इसमें इस तरह से हम थोड़े दूर दूर पर ये जो कटलेट है इसे अरेंज करेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर एक लेयर फिर से पन्नी या फिर बटर पेपर जो आता है उसकी एक लेयर रखेंगे हम, और फिर हमारे जो कटलेट होंगे वो रखेंगे, और इसे हम 15 दिन तक फ्रीज में फ्रीजर के अंदर फ्रीज रख करके रख सकते हैं। जब चाहे हम इसे सेवई एग वगैरह जैसे मैं अभी डिप करके बताऊंगी उस तरह से डिप करके आप फ्राई कर सकते हो, या फिर आप अगर इसे डिप करके रखना चाहते हो तो फिर वो भी आप करके रख सकते हो, वो आप 8 से 10 दिन तक रख सकते हो। मैं भी आपको डिप करके बता रही हूं। देखिए अब हम जो कटलेट बनाए थे इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक अंडा लियो, अंडे को हमें इसमें फोड़कर डालना है, और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून दूध लियो, ये बॉईल किया हुआ दूध है, इसे मैंने ठंडा किया हुआ है, ये भी इसमें अंडे में हम मिलाकर नमक के साथ बीट करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अंडा फोड़ के मैंने उसमें नमक डाली हूँ, अब इसमें हम दूध डाल के मिक्स करेंगे, इसे अच्छे से बीट करके लेंगे हम, अच्छे से एक चम्मच या स्पून की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको बता दूँ, देखिए इस तरह से हम कटलेट लेंगे, और ये जो अंडा और दूध मिलाकर हमने एक मिक्सचर बनाया है, इसमें इस तरह से हम अंडे के बैटर में ये जो कटलेट इसे डिप करेंगे, और इसे इस तरह से हिलाते हुए जितना एक्सेस जितना ज्यादा इसमें अंडा वगैरह है लगा हुआ वो निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने ली हूँ ये बारीक सेवई, ये बहुत बारीक होती है, आप देख सकते हो, ये मार्केट में इजीली मिल जाती है, इसे कटलेट की सेवई ही कहते हैं। ये दो तरीके से आती है, एक गोल्डन में आती है और एक व्हाइट में, तो आप जितना हो सके व्हाइट लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप गोल्डन लोगे तो गोल्डन सेवई जब हम फ्राई करेंगे तो वो बहुत जल्दी डार्क कलर की हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कटलेट में हल्का सा ब्लैक कलर आ जाता है। अगर हम उसे गोल्डन रखने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे कटलेट अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए आप हो सके तो व्हाइट ही सेवई लीजिए। अंडे में डिप करने के बाद हम सेवई में इस तरह से डिप करते हुए इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए सेवई से कोट कर लेंगे। ये देख सकते हो, ये देखिए कितने अच्छे से कोटिंग हो गई। इसी तरह से हम सभी कटलेट बना लेंगे, और अगर आप इसे फ्रीज करना चाहते तो इस वक्त भी फ्रीज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से भी फ्रीज कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहले आपको फ्रीज करना बताई हूँ आप सेम वही प्रोसेस से इसे भी फ्रीज कर सकते हो। ये फ्रीज करने के लिए आप इसे 10 से ज्यादा नहीं मत रखिए, इसे 10 दिन तक ही आप फ्रीज में रखिए, क्योंकि इसमें अंडा वगैरह लगा हुआ होता है। हम इसे बाकी के सभी कर लेते हैं। देखिए हमने सभी कटलेट अच्छे से बना चुके हैं, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ली हूँ, इस अच्छे से गर्म होने देंगे, और इस तरह से हम एक एक कटलेट इसमें डालेंगे। आप चाहे तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। हमें इसे टर्न नहीं करना है, एक साइड से गोल्डन होने के बाद ही हम इसे टर्न करेंगे। देखिए हमारे कटलेट एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हमें इसे, अगर आपको इसे ज्यादा चाहिए तो आप डार्क कलर कर सकते हैं।
इसे एक साइड से पकाने के लिए 2 मिनट का टाइम लगता है। इसे धीमी आंच पे पकने दीजिए। अब हम दूसरी साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेते हैं। देखिए हमारे कटलेट दोनों साइड से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद करते हैं और इसे डिश में निकाल कर आपको बता दें। देखिए हमारे कटलेट कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी बने आप देख सकते हो। ये देखिए मैं आपको इसकी आवाज सुना सकती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हुए ये देख सकते हो आप। और अंदर तक ये पूरे कुक है ये देख सकते हो आप। देखिए आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर बनाइए, अपनी फैमिली के साथ ये रेसिपी शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में जरूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।